लेट्स स्टार्ट दैट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तो आपके जो नया सिलेबस है FAR 1 का, उसके हिसाब से जो पार्टनरशिप की वेटेज है वो हमें पता लगती है, इट इज समवेयर बिटवीन 8 एंड 12 मार्क्स। ठीक है, अब हमारे पास अपनी गाइडेंस के लिए वो क्वेश्चंस मौजूद हैं जो कि इंट्रो में सो फार टेस्ट हो चुके हैं। तो अगर आप लोगों में से किसी ने ट्रेंड एनालिसिस वगैरह किया तो आपको ये पता होगा कि पार्टनरशिप एक ऐसा सवाल है, एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर अटेम्प्ट में टेस्ट होता है। ठीक है, और इसके चांसेस अगेन FAR 1 में भी वही कैरी फॉरवर्ड होंगे। और वैसे भी अगर एक नया सिलेबस में एक चीज नई इंट्रोड्यूस हुई है या ट्रांसफर हुई है तो उसके पर चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। तो इन एनी केस पार्टनरशिप का तो एक्सपेक्टेड है कि वो टेस्ट होगा ही होगा। ठीक है, अब पार्टनरशिप के अंदर चेंजेस इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर तो मेजर एक चीज है जो कि आपके FAR 1 में कवर होगी, लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस कि हम लोग थोड़ी इसकी बेसिक्स भी रिवाइज कर लें। और बेसिक्स के भी क्योंकि चांसेस हो सकते हैं, हो सकता है वो भी टेस्ट हो जाए, और हो सकता है आप लोगों में से काफी लोगों को भूला हुआ भी हो पार्टनरशिप। तो इसलिए हम लोग बिल्कुल फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को लगता है कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आप मुझे अगेन वहां पे स्टॉप कर दीजिएगा, लेकिन मैं इस माइंडसेट से चल रही हूँ कि आपको एटलीस्ट पार्टनरशिप के बेसिक्स आते हैं। ठीक है, इनफैक्ट चेंजेस इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर के भी आपको आते हैं। ठीक है, तो मैं इससे हो सकता है पार्टनरशिप में थोड़ी सी अपनी पेस फास्ट रखूं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले तो बेसिक डेफिनेशन पार्टनरशिप्स की क्या है। इट्स एन एसोसिएशन, यानी कि एनी रिलेशनशिप बिटवीन टू। अच्छा, मेरी राइटिंग समझ आ रही है ना, काफी टाइम बाद अब मैं लिख रही हूँ बोर्ड पे तो हो सकता है थोड़ी टाइम लगे। ठीक है, बिटवीन टू और मोर पर्सन, जो कि नॉर्मली होता है अप टिल 20। ठीक है, हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑफ अ बिजनेस। कैरिड ऑन और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इंट्रो में आप लोगों ने पढ़ा था कि बेसिकली देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, या तो एक सोल प्रोप्राइटर हो सकता है, या पार्टनरशिप हो सकती है, या फिर कंपनी के फॉर्म में कोई भी अपना बिजनेस चला सकता है। तो हम अभी पार्टनरशिप्स के बारे में बात कर रहे हैं। पार्टनरशिप क्या है? इट्स एन एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, और इसके ऊपर लिमिट होती है नॉर्मली अप टू 20। ठीक है, अप टू 20 पार्टनर्स हो सकते हैं किसी भी आपके पार्टनरशिप के अंदर, हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इस पर्टिकुलर टर्म का मतलब ये हुआ कि अगर ये पार्टनरशिप बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 पार्टनर्स हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। ठीक है जी, तो अगर फॉर एग्जाम्पल, अब आपको पता है हो सकता है हर कोई, जरूरी नहीं है कि उतना ही मेहनत करे और उतना ही बिजनेस में अपना इनपुट दे जितना बाकी सारे दे रहे हैं, राइट? तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर सी हैं जो कि सारे मामला को हल करते हैं, पूरा बिजनेस को चलाते हैं। ठीक है, और मिस्टर ए और मिस्टर बी का उसमें लिटिल और नो से, बस उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने कैपिटल प्रोवाइड किया हुआ है, वो नाम के ओनर्स हैं बस। ठीक है, पार्टनर्स हैं। तो इसका क्या मतलब है, पार्टनरशिप के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि क्योंकि वो बिजनेस सी कैरी आउट कर रहा है तो सारे के प्रॉफिट्स और लॉसेस भी सारे के सारे उसको मिलेंगे। पार्टनरशिप कंसर्न का एक अंडरलाइन फीचर ही यही होता है कि इवन कोई एक भी उन पार्टनर्स में से वो बिजनेस को कैरी आउट करे तो उसको इसी तरह से कंसिडर किया जाएगा जैसे सारे के सारे पार्टनर्स ने मिलके वो बिजनेस डीलिंग वगैरह की है। इसका इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसको कहते हैं बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी। ठीक है जी, इसको आप प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी भी कह सकते हैं। इसमें यही होता है ना, जो एजेंट होता है वो अपने प्रिंसिपल, जो मेन बंदा होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है।
तो मिस्टर सी क्या है, मिस्टर सी इस पूरी पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है, इसका इम्प्लीकेशन ये है कि फॉर एग्जाम्पल मिस्टर सी जाते हैं और वो मिस्टर सप्लायर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करके आ जाते हैं, मिस्टर ए और बी को कुछ पता ही नहीं है, ठीक है जी। वो अपने घर पे पड़े हुए बैठे हुए, ठीक है, उनको कुछ नहीं पता कि मिस्टर सी गए हैं मिस्टर सप्लायर के साथ, और मिस्टर सी ने पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करते हुए मिस्टर सप्लायर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल 1 मिलियन रुपीज का, ठीक है, कि जो भी वो मटेरियल मिस्टर मिस्टर सप्लायर ने प्रोवाइड करना था पार्टनरशिप को, उसकी वैल्यू थी 1 मिलियन रुपीज, यानी कि सी ने देने थे 1 मिलियन रुपीज मिस्टर सप्लायर को। अब ये अज्यूम करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं वुड, ठीक है, वुड का, कि सप्लायर ने क्या किया, वुड सप्लाई कर दिया ऑफिस में, अब वो आ रहा है पैसे लेने के लिए, ठीक है जी। अब क्या होता है, मिस्टर ए और बी ऑफिस में बैठे हुए हैं, मिस्टर सप्लायर पहुंच जाता है कि भाई मेरे 1 मिलियन रुपीज दो। तो इस पूरी प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी का इम्प्लीकेशन यही है कि मिस्टर ए और बी ये नहीं कह सकते कि मिस्टर सी ने हमें हमें बताए बगैर आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, हम इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानते, हम नहीं देंगे इसके पैसे, ठीक है जी। इसका क्या मतलब हुआ, मिस्टर सी भले मिस्टर ए और बी को पता ही ना हो कुछ भी, फिर भी इस चीज को ऐसे ही डीम किया जाएगा जैसे मिस्टर सी ने इन दोनों की कंसेंट के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को किया, ठीक है। अब ये बात तो हमने डेफिनेशन से देख ली, इसको हम आगे जाके फर्दर डिस्कस करेंगे। मिस्टर सी भी पार्टनर है, ये मैं लिख देती हूँ, ये पार्टनर्स हैं सारे, ठीक है, ये पार्टनर्स हैं, ए बी और सी पार्टनर्स हैं, जिनमें से मिस्टर ए और मिस्टर बी को कुछ भी नहीं पता, ये सोए हुए हैं, जी, ठीक है, ये लोग सोए हुए, इनको कुछ नहीं पता, सारी डीलिंग्स मिस्टर सी करते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल आप ए और बी किसी भी लाइबिलिटी से एब्जॉल्व नहीं होंगे, उनको उनके ऊपर वो पूरी की पूरी लाइबिलिटी फॉल करती है। अब इसको आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा अगेन डिस्कस करते हैं जो इंट्रो में, एग्जैक्टली स्लीपिंग पार्टनर्स कह सकते हैं उनको, ठीक है, ये तो आपकी इंट्रो की ही थोड़ी बहुत रिवीजन है, ठीक है। तो सबको याद ही होगा आई होप, फीचर्स क्या क्या है पार्टनरशिप के जी, बताएं जी, आसान सी चीज है, याद होनी चाहिए, क्या है फीचर्स पार्टनरशिप के। बिजनेस का मुराद, चले मैं ये कह लेती हूं कि प्रॉफिट मोटिव, ठीक है, यानी कि बिजनेस, बिजनेस का टर्म ही वही है बिल्कुल, एजेंसी हो गया, अग्रीमेंट हो गया, ठीक है, यानी कि बिजनेस जो स्टैब्लिश हुआ है उसका मेजर इंटेंशन क्या है, कि उन्होंने प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड, राइट, इसको देख लेते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग भूल रहे हैं, किसी ने भी मेंशन नहीं की, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है ओनर्स की, यानी कि पार्टनर्स की। फिर ओके, चले वेरी गुड, ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, मोर देन वन ओनर, ठीक है। अच्छा, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये तो जनरल चीजें हैं जो कि हर बिजनेस में मौजूद होती है, हर फॉर्म ऑफ बिजनेस में, और आपके पास है ये एक नया टर्म, आप लोग देख रहे होंगे, अगर समझ में नहीं आती है, इसको याद नहीं रख पाते, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ये जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी, इसका ताल्लुक भी प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी से ही है, ठीक है। प्रॉफिट मोटिव, ये तो आपको पता है कि आपका हर बिजनेस जो है वो सेटअप हुआ होता है विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट, ये चीज कॉमन इन ऑल बिजनेसेस। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बताती है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये आपको बताती है कि जो बिजनेस है और उसके ओनर्स हैं वो दो, असलान सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट तो हर बिजनेस के अंदर मौजूद है,
तरह हम ये कहते हैं ना कि आप देखो पार्टनरशिप के अकाउंट्स अलग मेंटेन हो रहे होते हैं, पार्टनर्स का अपना हिसाब किताब पर्सनल वो अलग मेंटेन हो रहा होता है, यही तो बेसिस है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट का। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बताती है आपको? आपको ये बताती है कि जो बिजनेस है इट्स अ सेपरेट बीइंग, ठीक है, ये एक अलग ही, बिल्कुल, पार्टनरशिप इज ट्रीटेड सेपरेटली फ्रॉम पार्टनर्स, वेरी गुड। तो बिजनेस इन एनी सिनेरियो, भले वो सोल प्रोपराइटर हो, भले वो पार्टनरशिप हो, भले वो कंपनी हो, वो क्या है? इट्स अ सेपरेट बीइंग फ्रॉम इट्स ओनर्स, ठीक है। और इसका जो मेजर इम्प्लीकेशन है वो यही है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि बिजनेस के रिकॉर्ड्स अलग हैं, बिजनेस की अकाउंटिंग अलग है, एंड पर्सनल रिकॉर्ड्स एंड पर्सनल ट्रांजैक्शंस ऑफ द ओनर या ओनर्स आर सेपरेट, ठीक है, दे बोथ आर सेपरेट। इसी में अगर आपको याद हो इंट्रो में हमने वो किया हुआ है ना कि आप बताओ भाई, आपको ढेर सारी ट्रांजैक्शंस दी जाती हैं और आपको कहा जाता है कि अब आप इसमें से आप पिक करें कि कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं और कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं है, तो वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपको ये कहूं कि मैं एक सोल प्रोपराइटर हूं और मेरा अपना फर्नीचर का कारोबार है, ठीक है, और मैं आपके साथ साथ ये भी कह दूं कि आई परचेज अ माइक्रोवेव फॉर माय पर्सनल यूज, तो आप क्या कहते हैं? फिर मैं अगर बोलूं कि अच्छा फिर एक काम करते हैं, इसको जो मेरा बिजनेस है ना उसकी जरा बुक्स में जरा इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं एज अ कैश आउटफ्लो दिखा दें, डेबिट कर दें कोई फिक्स्ड एसेट अपना माइक्रोवेव और क्रेडिट कर दें कैश, तो आप लोग तो मुझे बोलेंगे कि ऐसा नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते? वो इसीलिए तो नहीं कर सकते कि हम ये कहते हैं कि जो ओनर के जो पर्सनल रिकॉर्ड हैं, पर्सनल अकाउंटिंग है उसकी, पर्सनल ट्रांजेक्शन है, उनको सेपरेट रखना है बिजनेस से, ठीक है जी। तो ये वाला फीचर कॉमन है, हर बिजनेस में यही काम होता है, क्लियर है बात? अगर इसकी आपको सही वाली डेफिनेशन चाहिए तो आप इसको इंट्रो की अपनी स्टडी टेक्स्ट में से जाके दोबारा देखें, वहां पे इसका पूरा डेफिनेशन गिवन है, ये हमने इंट्रो में किया हुआ है जी, क्लियर है बात? बच्चे वो जो आप बात कर रहे हो ना अरसलान, एक सेकेंड में आपका क्वेश्चन पूरा देखूं। हाँ अर्चलान, आप जो बात कर रहे हो वो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं है, वो अनलिमिटेड लायबिलिटी है, दोनों डिफरेंट है। मैंने अब आपको ये कहा पर्सनल ट्रांजैक्शंस ऑफ द ओनर आर टू बी रिकॉर्डेड सेपरेटली फ्रॉम द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, राइट, बिजनेस की बुक्स में वो नहीं होना चाहिए। मैं बता देती हूँ अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड, जरा और से सुने, अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या कह रहा है कि इन केस बिजनेस अपनी लाइबिलिटीज को पूरा नहीं कर पाता तो जो पार्टीज हैं, जो सामने वाली पार्टी है, जो सप्लायर है, वो किसके पास जाएगा? ओनर्स के पास जाएगा और कहेगा अपने बस भले पर्सनल एसेट बेचो, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा पैसा चाहिए। डिफरेंस समझ में आ रहा है? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, इनके ऊपर डिपेंड, वो इनके बारे में बात करते हैं। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या करता है कि ओनर की, हाँ कंपनी के अंदर लाइबिलिटी लिमिटेड है, वो बात करते हैं अभी, ठीक है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ओनर की पर्सनल लाइफ में जो भी उसके खर्चे हो रहे हैं उसको अपने बिजनेस की बुक्स में खबरदार जो रिकॉर्ड किया, बिजनेस की बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में, बिजनेस के टी अकाउंट्स में, बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ओनर्स की पर्सनल ट्रांजैक्शंस का कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। दैट इज सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इन दोनों की अलग अलग रिकॉर्डिंग होंगी, कौन कौन? एंटिटी और बिजनेस और अपना ओनर, राइट। अब वो ओनर हो, पार्टनर हो या शेयर होल्डर्स हो, तीनों के केस में ये चीज अप्लाई होती है, राइट। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑन द अदर हैंड क्या कहता है कि इन केस द बिजनेस इज अनएबल टू पे इट्स डेट, द ओनर्स विल बी पर्सनली लाइबल। पर्सनली लाइबल से क्या मुराद? कि वो अपने पर्सनल एसेट्स को बेच के बिजनेस की लाइबिलिटी को पूरा करेंगे, राइट। तो इसको लिख लेते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट क्या है?
और ये सिर्फ अप्लाई होता है सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के केस में, ठीक है? यानी कि इस केस में हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की, इसको फर्दर एक्सप्लेन कर देते हैं, दैट इज Yeah, they have to settle the obligation is a more appropriate term. Through their personal assets, personal cash, वगैरह. समझ आ गई? Difference समझ आ गया? जी क्लियर है बात? जिनको प्रॉब्लम हो रहा था यस को फर्दर डिस्कस करना है. अरसलान क्लियर? अरसलान फारूक मैं से दोनों आप ही हो ना? उस्मान हमीदुल्ला हुसनैन जवाद नसीर शर्मा शुमाइला सामा और जया. चलें वेरी गुड. जो लिखा है उसको रीड कर दूंगा. अच्छा जी मैं लिख देती हूँ, रीड कर देती हूँ. इन केस द बिजनेस इज अनएबल टू सेटल इट्स ऑब्लिगेशन The owners, यानी के the partners, will be personally liable for the settlement. That is, they will have to settle the obligation, your obligations through personal assets. और ये applicable है सिर्फ और सिर्फ sole trader और partnership के केस में. अब जैसे for example, अगर company में ऐसा कुछ हो जाता है कि कंपनी बैंकरप्ट हो गई, कंपनी के जो अपने कैश रिजर्व्स हैं वो खाली हैं, ठीक है? कोई लायबिलिटी कोई सप्लायर आ जाता है तो अब सप्लायर शेयर होल्डर्स के पास जाके नहीं बोलेगा मुझे नहीं पता भाई आप तो ओनर हैं मुझे अपने पैसे चाहिए. नहीं, क्या रीजन है उसमें? उसमें रीजन ये है कि ये अंडरलाइन फीचर है, मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज भी होती है लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड इन नेचर है, बहुत कम है वो, ठीक है? तो वो क्या अंडरलाइन एक कॉमन फीचर क्या है कंपनीज के अंदर कि उनके ओनर्स की यानी कि शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी है लिमिटेड. लिमिटेड टू व्हाट? लिमिटेड टू व्हाट? लिमिटेड तो है ना, लेकिन लिमिटेड टू व्हाट? टू व्हाट एक्सटेंट उनकी लिमिटेड है लाइबिलिटी? कितनी लेवल तक, कितने किस लेवल तक बस सिर्फ उनसे हम पैसे और निकलवा सकते हैं या कितने हद तक उनका पैसा डूब सकता है? जी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय एग्जैक्टली अप टू द इन्वेस्टमेंट. वेरी गुड. तो इसीलिए अगर आप देखें, अगर आप नोट करें हमारे जो जो हम लोग की फैमिली में फॉर एग्जाम्पल किसी ने अगर बिजनेस सेटअप किया, ठीक है, और अब वो भले सोल ट्रेडर है भले पार्टनरशिप है, इन दोनों में से कोई एक फॉर्म अगर सेटअप किया, तो आपने सुनी होंगी ऐसे कहानियां कि बिजनेस जब ठप होता है या बिजनेस जब डूबता है तो कभी कभार खुदा ना खास्ते इतने बुरे हालात हो जाते हैं कि लोगों को अपने घर बेचने पड़ जाते हैं, अपने फर्नीचर बेचना पड़ जाता है, सब कुछ अपना बेचना पड़ जाता है. क्यों? क्योंकि बिजनेस ठप हो गया, सप्लायर्स को पैसे देने थे तो पैसे देने के लिए उनको क्या करना पड़ा, अपने पर्सनल एसेट्स बेचने पड़ गए, ठीक है? लेकिन ये वाला किस्सा कंपनी में आपको नजर नहीं आएगा. अगर किसी ने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसको अपने पर्सनल एसेट्स बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा उसका बस उतना ही पैसा डूबेगा जितना उसने कंपनी में लगाया हुआ, ठीक है? तो एक और फीचर हमने देख लिया, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स. मोर देन वन ओनर है इसीलिए वो पार्टनरशिप कहलाता है. अब ये आखिरी टर्म आ गया, जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी. जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी लीगल टर्म है बेसिकली, और ये बात वही हुई हुई है जो के आपकी ऊपर है प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी. ये वाली जो बात है ना कि एक बंदा जो हरकत करता है, जो पार्टनर कोई भी हरकत करे, बुरी करे अच्छी करे,
वो फिर सबको ले डूबती है, राइट। अगर वो बुरी हरकत करेगा कोई, उसने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, उसने कोई घपले में घपले का सौदा कर दिया, तो बस फिर बाकी पार्टनर्स की भी शामत आ गई, राइट। बाकी पार्टनर्स भी फिर अपने खसारे में, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ज्वाइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी। यू डू नॉट नीड टू रिमेम्बर दैट। मैंने वैसे ही एक एडिशनल चीज बता दी आपको, बस अगर ये प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी अगर समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, ठीक है जी। क्लियर है, आगे चले जी। अरसलान, हाफिज, हमीदुल्ला, हसनैन और जवाद, नसीर, शर्मा, शुमाइला, उसामा, दरियाब, चलें जी, वेरी गुड, चलते हैं आगे। अभी तो काफी बेसिक चीजें थी, अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह हम फॉर्मेट्स वगैरह को डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं एक और, समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया शर्मा? प्रिंसिपल, नहीं 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 हसनैन, प्रिंसिपल ऑफ लाइबिलिटी और ज्वाइंट एंड सेवरल आर टू डिफरेंट थिंग्स। ज्वाइंट एंड सेवरल क्या कहता है, एक पार्टनर जो काम करेगा वो ऐसे ट्रीट होगा जैसे बाकी सारे पार्टनर्स ने मिलके ये काम किया है, मतलब उनमें उसकी भी बाकी लोगों की भी अग्रीमेंट शामिल है। ये प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी, आप ज्वाइंट एंड सेवरल भूल जाओ, प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी, ठीक है जी। शर्मा, क्लियर है आपको? और अनलिमिटेड लाइबिलिटी वो है कि भाई अगर कोई गड़बड़ हो जाती है, अगर खसारा हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, पर्सनल एसेट्स भी पार्टनर्स को बेचने पड़ जाएंगे, ठीक है। चलें, अगर जरूरत है तो मैं इसकी फिर आपको प्रॉपर डेफिनेशन इसका पूरा पेपर बना के दे दूंगी, या स्टडी टेक्स्ट में से मैं आपको बता दूंगी कि कहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप फिर उसको देख लेना, क्लियर होगी, कोई बात नहीं, अगर थोड़ा टाइम लगेगा बार बार इसको पढ़े इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अब एक और फीचर है पार्टनरशिप का, जो कि जरूरी नहीं है कि हर पार्टनरशिप में मौजूद हो, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में क्या होता है, पार्टनरशिप डीड एक बनाते हैं सारे पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, इट्स अ रिटन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। अब ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लॉ की कि भाई आपको पार्टनरशिप डीड बनानी ही बनानी है फॉर श्योर, लेकिन आपको पता है जहां पे एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं वहां पे फटों के चांसेस भी होते हैं, वहां पे डिसएग्रीमेंट के चांसेस भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, दो लोगों ने अपना बिजनेस शुरू किया, दोनों ने पहले डिसाइड किया था कि 60-40 में प्रॉफिट आपस में डिवाइड करेंगे, यानी कि इक्वल नहीं करेंगे, एक पार्टनर 60% लेके जाएगा, दूसरा पार्टनर 40%। अब जब वो पूरा साल गुजरता है, प्रॉफिट बिजनेस जो है वो प्रॉफिट कमाता है, साल के आखिर में जब बंटवारे की बात आती है तो वो जो दूसरा पार्टनर तो कहते हैं नहीं, हमने तो डिसाइड किया था कि इक्वल है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए काफी लोग क्या करते हैं, मेजोरिटी पार्टनरशिप क्या करती है, दे एंटर इनटू अ पार्टनरशिप डीड, ठीक है, पूरे स्टैम्प पेपर पे ये बनता है और उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो पार्टनरशिप की वो उसमें लिख देते हैं, और जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है वो कुछ ये हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, कि हर पार्टनर ने, हो सकता है इसमें एक काम ये भी हो कि हर पार्टनर ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करना है वो भी इसमें मेंशन करते हैं। इसमें भी पार्टनरशिप डीड के भी जो क्या क्या चीजें इसमें होनी चाहिए वो उसका भी कहीं पे भी कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब कहीं पे रूल नहीं है कि भाई ये होना चाहिए, ठीक है। वो फिर अपनी जो बेसिक जो कुछ चीजें हैं वो तो नेचुरली सी बात है बंदा डालता ही है, जैसे एक ये हो सकता है, हो ना हो जो पहला वाला पॉइंट है, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो ऑलमोस्ट ऑलवेज होता ही है, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, राइट, किसी भी अकाउंटिंग के लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज क्या होते हैं, ये PSR शॉर्ट फॉर्म, हम क्लास में PSR को ही यूज करेंगे, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ये क्या बताता है कि अगर फॉर एग्जांपल तीन पार्टनर्स हैं तो हर पार्टनर को कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट या कितना शेयर ऑफ लॉस मिलेगा, ठीक है, हर साल।
तो इसके बारे में भी डिसाइड वो लोग लिख सकते हैं ताकि आगे जाके मसले ना हो। फिर आपके पास क्या है, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स अलाउड टू ईच पार्टनर। ठीक है, हो सकता है वो पार्टनरशिप जो है सारे पार्टनर्स ये डिसाइड करें कि अनलिमिटेड आप ड्रॉइंग्स नहीं कर सकते। ड्रॉइंग्स का आइडिया है ना सबको, ड्रॉइंग यानी कि पैसा या कोई भी एसेट अपना जो इन्वेस्ट किया हुआ है वो बंदा ओनर जो है वो अगर निकाले, राइट। तो हो सकता है सारे पार्टनर्स मिलके डिसाइड करें कि ठीक है ड्रॉ कर सकते हैं, विदड्रॉ कर सकते हैं चीजें और पैसे, लेकिन जरूरी नहीं है कि भाई अनलिमिटेड जितना चाहे। हो सकता है वो कोई कैप लगाना चाहे उस पर, तो आप जो है उस चीज को भी आप इसमें लिख सकते हो, राइट। अब पार्टनर्स के लिए एक जो इंसेंटिव है बिजनेस करने का वो तो प्रॉफिट है, राइट। अब हो सकता है पार्टनर्स जो हैं वो देखें कि भाई हम तीन लोगों में से एक पार्टनर है मिस्टर ए जो कि बहुत ज्यादा काम करते हैं, ठीक है, तो उनको चलो शेयर ऑफ प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन क्योंकि वो पार्टनरशिप के बिहाफ पे काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो एक काम करते हैं उनको सैलरी भी दे देते हैं, राइट। अब जरूरी नहीं है कि हर पार्टनर को सैलरी मिले, एक एक कोई नॉर्मली एक या दो को ही मिल रही होती है अगर आप क्वेश्चन देखो तो, राइट। तो उसके अंदर भी आपको मेंशन में कर सकते हो कि भाई पर एनम सैलरी इतनी होगी इस पार्टनर की या पर मंथ सैलरी इतनी होगी। ये भी इसीलिए मैंने आगे इफ एनी कर दिया कि जरूरी नहीं है। अब ये चीज आ जाती है इंटरेस्ट इफ एनी टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एंड चार्ज्ड ऑन ड्रॉइंग। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बस ये मतलब मेजर मेजर जो मोटे मोटे टर्म्स हैं वो आपको पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये नजर आएंगे। इसके अलावा भी और हो सकते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट एरिया जिसमें काफी कवर हो गए, राइट। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट के ऊपर। किसी भी पार्टनरशिप के अंदर आप क्वेश्चन के अंदर आपको तीन किस्म के इंटरेस्ट नजर आ सकते हैं, ठीक है। एक तो आपके पास हो गया ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये क्या होता है जी, पार्टनर्स ने पैसा लगाया हुआ है बिजनेस के अंदर, राइट। अब जाहिर सी बात है उनका पैसा यहां पे स्टक होके हुआ रुका हुआ, राइट। अब बिजनेस तो चाहेगा ना, अगर हम बिजनेस को एज अ बीइंग ले रहे हैं, भाई बिजनेस तो चाहेगा कि मेरे अंदर एग्जैक्टली मुझे और ज्यादा से ज्यादा मुझे मेरे अंदर कैपिटल इन्वेस्ट करें पार्टनर्स। तो उस चीज को इनकरेज करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा जो पार्टनर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा कैपिटल लगाए बिजनेस के अंदर, बिजनेस कैपिटल के ऊपर उन पार्टनर्स को इंटरेस्ट भी दे सकता है। वो क्या होगी, पार्टनर्स के लिए वो इनकम है, ठीक है। तो जैसे अगर रेट फॉर एग्जांपल ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है वो दे रहा है वो, तो वो हर पार्टनर चाहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा कैपिटल लगाऊं ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट मिले, राइट। तो एक तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि दिस इज टू इंकरेज मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय द पार्टनर्स, यहां से लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। To encourage more capital investment by the partners. फिर आगे पास आ जाता है interest on drawings. अब ये क्या चीज है, drawings क्या होती है, exact opposite capital का। Capital अगर पैसा लगाना है तो drawings है जब owner पैसा निकालते हैं। अब मुझे बात बताएं, एक बिजनेस के लिए, अगर बिजनेस तो चाहेगा ना मेरे से कम मेरे मेरे के मेरे अंदर ज्यादा से ज्यादा कैश रिटेन्ड हो, ज्यादा से ज्यादा कैपिटल रिटेन्ड हो और ओनर मेरे अंदर से कम पैसे अपने निकाले वापस विदड्रॉ करें, राइट।
तो इस चीज को इंकरेज करने के लिए, इनफैक्ट डिस्करेज करने के लिए कि भाई पार्टनर्स ये ना हो कि भाई साल में ढेर सारी ड्रॉइंग्स करें, काम करते हैं, इंटरेस्ट लगा देते हैं उस पर. एग्जैक्टली. तो अब इस केस में क्या है, बिल्कुल ठीक जवाब, वेरी गुड. ड्रॉइंग्स के केस में क्या है, पार्टनर्स पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू द बिजनेस. तो अगर हमें देखें कैपिटल के केस में हम क्या कह रहे हैं, पार्टनर ने लोन दिया है बिजनेस को, एज अ रिजल्ट पार्टनर को इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर, वो रिसीव कर रहा है, अर्न कर रहा है. ऑन द अदर हैंड ड्रॉइंग को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे ड्रॉइंग क्या है, बिजनेस ने पार्टनर को लोन दिया है और वो पार्टनर से क्या चार्ज कर रहा है, इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है. तो बिजनेस के लिए वो क्या हो गया, इंटरेस्ट इनकम हो गई. अब वो इंटरेस्ट इनकम है या नहीं, उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, राइट. लेकिन बात समझ में आ रही है, राइट. ये क्या है, दिस इज इनकम फॉर द बिजनेस. ये क्या है, दिस इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस. सिर्फ समझने के लिए कर दें, इसको हम लिटरल टर्म्स में एक्सपेंस और इनकम नहीं कहते. बस मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूं कि खर्चा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में बिजनेस का हो रहा है और ड्रॉइंग के केस में बिजनेस की कमाई हो रही है. अब इसमें एक और चीज भी हो सकती है, जरा गौर से सुनिएगा. ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है बिजनेस के अंदर, ठीक है, वो तो हो गया कैपिटल, उससे बिजनेस सेटअप हुआ, सारा पूरा चल रहा है एक्टिविटीज. अब इस तरह से भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैं और मेरी फ्रेंड, हम लोग की एक पार्टनरशिप है, ठीक है. अब हम लोगों ने पैसा तो इन्वेस्ट किया हुआ है, कैपिटल तो इन्वेस्टेड है हमारा. अब लेट्स से अब हमारी हम और पैसा नहीं इसमें इन्वेस्ट कर सकते, ठीक है, बिजनेस में, ठीक है. मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ जवाब, ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल मेरे बिजनेस, हमारे बिजनेस को और पैसे की जरूरत पड़ती है, तो हम कहते हैं कि अच्छा ना मैं और कैपिटल इन्वेस्ट कर सकती हूँ, मेरे पास पर्सनल कैश खत्म है, ना मेरी फ्रेंड कोई और पैसा इन्वेस्ट कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, ठीक है. अच्छा मेरे पास, मैं चाह नहीं रही, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पैसे हैं लेकिन मैं और कैपिटल इन्वेस्ट करना नहीं चाह रही, ठीक है. हाँ मुझे क्योंकि अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए भी मुझे अपना कैश चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक दो सालों के बाद मैंने कोई अपनी कोई घर वर खरीदना है, तो मैंने उसके लिए पैसे सेव करके रखे हुए, तो मैं ये चाह नहीं रही हूँ, मैं रब कर रही हूँ. तो मैंने पहले कहा मेरी फ्रेंड के पास फॉर इंस्टेंस पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास पैसे हैं, लेकिन वो पैसे ऐसे हैं कि मुझे अपने पर्सनल किसी एक्सपेंडिचर के लिए मैं वो सेव करके रख रही हूँ. मैंने दो साल के बाद फॉर एग्जाम्पल कोई घर वर खरीदना है और उसके लिए मैं सेविंग करना चाह रही हूँ, तो मैं वो पैसे बेसिकली बिजनेस में लगा नहीं सकती, क्योंकि कैपिटल क्या होता है, कैपिटल तो लॉन्ग टर्म होता है ना, वो तो फिर जब तक बिजनेस है या जब तक मैं पार्टनर रहना चाह रही हूँ, मैं मेरा कैपिटल रहेगा बिजनेस के अंदर. अब बिजनेस को जो है वो शॉर्ट टर्म कैश की जरूरत पड़ जाती है. अब मैं ये कहती हूँ ठीक है, दो साल के लिए बिजनेस को कैश चाहिए, उसके बाद वो वापस हम कर देंगे, जो भी बिजनेस है वो कैश वापस कर देगा. तो मैं काम करती हूँ, पैसा तो है मेरे पास, तो मैं कैपिटल के बजाय बिजनेस को दे देती हूँ लोन. मैं क्या हूं, मैं पार्टनर हूं, मैं ओनर हूं, राइट. और मैंने क्या किया है, मैंने पैसा दिया है बिजनेस को, लेकिन कैपिटल की एम्बिट में नहीं दिया. किसकी एम्बिट में दिया है, लोन की मद में दिया है. क्या मतलब हुआ, अब लोन से दिमाग में क्या समझ में आता है, साल से इसका मतलब है कि ये 5-10 साल के बाद ये पैसा वापस मुझे मिल जाएगा, है ना. तो आप समझ में आ रही है आपको कि एक पार्टनर अगर फॉर एग्जाम्पल वो ये नहीं चाह रहा कि मैं लॉन्ग टर्म जो है वो पैसा लगाऊं, तो वो हो सकता है बिजनेस को लोन दे दे, अगर बिजनेस को कैश की जरूरत है. इज दैट क्लियर, बात समझ आ रही है, ठीक है. तो आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज समथिंग एल्स, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर इज समथिंग एल्स. इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी वो हम आगे जाके पढ़ेंगे. है ये भी खर्चा बिजनेस का, राइट. पैसे दिए पार्टनर ने और उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यानी कि डिस्क्लोजर या प्रेजेंटेशन, ये लिखे ना भले, इसको बस लिख दें कि टू बी डिस्कस लेटर, ठीक है, इज डिफरेंट देन
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना भी चाहिए, है ना। इसको हम जब अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर टाइम मिला तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर शुरू करते हैं तो उसमें मैं फिर आपको बता दूंगी। लेकिन एनी हाउ इंटरेस्ट आपका, ये देखिए तीनों जो चीजें हैं, तीनों ट्रांजेक्शन हैं, ये क्या है, दी ऑल थ्री आर ट्रांजेक्शन बिटवीन द पार्टनर, बिटवीन द ओनर्स एंड द बिजनेस, ठीक है। इसमें कोई थर्ड पार्टी किसी भी सिनेरियो में इन्वॉल्व नहीं हुई थी, तो इसीलिए हमने खास अगर कोई इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम थर्ड पार्टी है तो उसका तो आपको पता है, वो तो बिल्कुल जिस तरह से आपने इंट्रो में पढ़ा था कि उसको एज क्या दिखाते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में दिखाते हैं ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस ट्रीटमेंट इसका डिफरेंट है लोन फ्रॉम पार्टनर, इसीलिए मैंने स्पेशली इसको यहाँ पे अलग से मेंशन किया हुआ, बिकॉज दिस इज अ स्पेशल सिनेरियो, ये फ्रॉम पार्टनर है नॉट फ्रॉम थर्ड पार्टी, बैंक लोन नहीं है ये, कोई थर्ड पार्टी से नहीं है, तो इसको हम आगे जाके इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास 10 मिनट हैं, जल्दी से हम और थोड़ी सी अकाउंटिंग इसकी देख लेते हैं। अब जब हम बात करते हैं अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, ये अभी हम सारी बेसिक्स में है, अभी तक हम चेंजेस में नहीं आए, ठीक है। तो अकाउंटिंग के अंदर दो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। बाकी सारी अकाउंटिंग वैसे की वैसी हो रही होती है, लेकिन एक जो खास चीज पे मैं फोकस करना है, वो ये है, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास वही वाली चीजें आती हैं जिस तरह आपने सोल ट्रेडर का पढ़ा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वैसे का वैसे ही बनता है, यानी कि आपका एसओसीआई समझ लें इसको, ठीक है। एक जो नई चीज पढ़ेंगे हम वो देखेंगे, इसका टर्म यही है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये एक नई चीज है, ठीक है। और इसके अलावा तीसरा हमारा वही बैलेंस शीट, बिल्कुल वैसे का वैसे, कोई डिफरेंस इतना खास प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ठीक है। तो जो बेसिक हमारी पार्टनरशिप है उसके अंदर जो अकाउंटिंग होगी उसके अंदर हम इन तीन चीजों के बारे में भी पढ़ेंगे। इसमें मैं आज बस कल का दिन शायद और लगेगा, अभी आप प्रैक्टिस के लिए हो सकता है परसों, और फिर हम इंशाल्लाह कोशिश करूंगी परसों फिर हम चेंजेस से स्टार्ट कर लें, ठीक है, परसों नहीं तो परसों के बाद, राइट। अच्छा, अब क्लियर बात, अब ये चीजें हमने देखनी है। अब इधर देखिए, अकाउंटिंग के अंदर आपने सोल ट्रेडर की अकाउंटिंग तो पढ़ी हुई है, ठीक है। सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप की अकाउंटिंग में और प्रेजेंटेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन सोल ट्रेडर के अकाउंट और पार्टनरशिप के अकाउंट इज द कैपिटल का पोर्शन, यानी कि इक्विटी, जो इक्विटी की हेडिंग डालते हैं ना, याद है, सोल ट्रेडर में आप डालते हो ना इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसके अंदर फिर हम लिख रहे होते हैं जी ओपनिंग कैपिटल एड नेट प्रॉफिट, तो वो क्लोजिंग कैपिटल आ जाता है, उसमें फिर हम लाइबिलिटीज एड करते हैं, राइट, एग्जैक्टली, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन के अंदर। तो सिर्फ उस पोर्शन के अंदर आपको थोड़े से डिफरेंसेस नजर आएंगे, और उसका रीजन क्या है कि सोल ट्रेडर के अंदर आपके पास सिंगल ओनर था, राइट, एक ओनर है, तो जाहिर सी बात है कैपिटल का अकाउंट भी एक ही है क्योंकि एक ही बंदे ने इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन ना पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप में तो आपके पास एक कैपिटल अकाउंट नहीं होगा, वो हम बनाते एक ही है लेकिन उसके कॉलम्स कितने ढेर सारे होते हैं, राइट। तो हम उसको, मैं इस तरह से बोलती हूँ कि कैपिटल अकाउंट एक नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि आपके पास पार्टनर्स फॉर एग्जाम्पल दो है, तो मिस्टर ए का कैपिटल अकाउंट, मिस्टर बी का कैपिटल अकाउंट, दोनों ने अलग अलग पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, दोनों को हमने एक्यूमुलेट नहीं करना ऑन अ माइन्यूट लेवल, ऑब्वियसली टोटल में जाके तो वो एड हो जाएगा, लेकिन हमने हम दोनों के अलग अलग रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। तो हमारे पास क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ओनर्स होते हैं तो इसलिए हमारा बस थोड़ा सा इक्विटी का पोर्शन डिफरेंट होता है सोल ट्रेडर से, बाकी सब डिटो सेम होता है, ठीक है। ये मैं बात कर रही हूँ एसओएफपी की, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन की। फिर जब हम देखते हैं एसओसीआई को, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को,
तो नेट प्रॉफिट तक तो SOCI बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल वैसे का वैसे ही होता है जिस तरह आपका सोल ट्रेडर का होगा। नेट प्रॉफिट के नीचे हम इंशाल्लाह कल देखेंगे एक छोटी सी स्टेटमेंट, एक एडिशनल एक पोर्शन बन जाता है, एक हेडिंग डाल के, जिसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसका रीजन भी यही है कि सोल ट्रेडर के अंदर तो SOCI में जो नेट प्रॉफिट है ये पूरा का पूरा किसका था, वो एक ओनर का था, है ना, उसकी तो डिविजन दिखाने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि हम पार्टनरशिप पे आ गए तो ठीक है, बिजनेस ने ये प्रॉफिट कमाया, लेकिन अब ये एक से ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होना है तो हमें अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ जाती है। अप्रोप्रिएशन का क्या मतलब होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अभी इसमें ऐसी कोई टेक्निकल बात हमने की नहीं है, मैंने सिर्फ एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है। फिक्स कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, इसका मैं सिर्फ फॉर्मेट आपको बना के अभी दिखा देती हूँ, इसको फिर हम इंशाल्लाह आराम से कल डिस्कस करेंगे। अभी आप इसको वो कर लें, क्या कहते हैं, अपने पास नोट कर लें फॉर्मेट को, मैं बार बार फिर बनाऊंगी नहीं, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन के अंदर बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है। FAR 2 की क्लास होगी, चलो ठीक है फिर कल ही बनाते हैं उसको, ठीक है, कल ही इसको स्टार्ट करते हैं इसके साथ। SOFP में बाकी सारी चीजें सेम है सोल ट्रेडर की, सिवाय कैपिटल और इक्विटी के पोर्शन की, जो है कैपिटल और इक्विटी की हेडिंग थी ना, कैपिटल या इक्विटी जो भी आप लोग डालते थे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में, इक्विटी का सिर्फ पोर्शन, उसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। अब उसमें हमें हर ओनर का अलग अलग दिखाना है, सोल ट्रेडर में एक ही ओनर था, दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो अभी इसमें कोई टेंशन ना लें, तो मैंने सिर्फ हल्का सा आप लोगों को ओवरव्यू दिया है, इसमें कोई बात मैंने सच बताई नहीं है, जब हम करेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो कल इंशाल्लाह हम इसका स्टार्ट करेंगे, फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट पर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं अभी। जी कोई क्वेश्चन है? चलिए ठीक है, ओके जी। अरसलान, उस्मान, हसनैन, जवाद, क्लेयर, शुमाइला, नसीर, चलें, वेरी गुड। इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं 2 बजे। जबरदस्त, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।